गुड आफ्टरनून। चलिए हम लोग मैट्रिक्स में शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने रेंट पे देखा था कि कोई भी अगर आपके पास मैट्रिक्स है, एम बाई एन, तो आपको नॉन सिंगुलर मिलेगा और आप उससे हमेशा उसको एक जी और एक नल मैट्रिक्स के तौर पर कन्वर्ट कर सकते हो। ऐसा क्लियर था ना? यस सर। ठीक है। उसके बाद बच्चों हम लोगों ने प्रोडक्ट की रैंक के बारे में बात की थी। तो अब मैं स्क्वायर मैट्रिक्स पे एक थ्योरम बता रहा हूं आपको। बहुत एलिमेंट्री थ्योरम है। अभी तक जो थी वो इन जनरल थी। कोई भी मैट्रिक्स हो, एवरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स अगर है कोई भी, इज रो इक्विवेलेंट टू यूनिट मैट्रिक्स। रो इक्विवेलेंट टू यूनिट मैट्रिक्स। तो किसी भी स्क्वायर अगर आपके पास मैट्रिक्स है तो उसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये समझ में आ रहा होगा। ये SLN फॉर्म में रिड्यूस करने जैसा है बस। तो क्योंकि SLN फॉर्म में करोगे तो यूनिट मैट्रिक्स की जैसी रैंक है वैसी इसकी भी आ जाएगी। ये तो आप मानेंगे ना कि 100 010 001 की रैंक और ए बी सी 0 लैम्डा म्यू 00 न्यू रैंक सेम रहेगी दोनों यस सर। की। यस सर। यस। हाँ तो कोई भी नॉन सिंगुलर लेंगे, ऐसा तो बना ही लेंगे ना उसको SLN फॉर्म में। यस सर। हाँ यस तो सर। रैंक तो ऐसा लिखा जा सकता है कोई भी, लेकिन नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स था। पिछली क्लास में हमने नॉन सिंगुलर नहीं कहा था, कोई भी मैट्रिक्स बोला था। क्योंकि आप ऐसा जो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं वो एलिमेंट्री मैट्रिसेस की हेल्प से कर रहे होते हैं। पिछली क्लासेज में हमने जो पढ़ा है तो इससे ये भी समझ में आता है कि कोई भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो तो उसे एलिमेंट्री मैट्रिसेस के प्रोडक्ट के तौर पर लिखा जा सकता है। इसी से छोटा सा रिजल्ट, एवरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए इज एक्सप्रेसिबल एज द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेस। ऐसा क्यों किया? फिर वही है कि आपके पास, आपने एक मैट्रिक्स लिया नॉन सिंगुलर, उसमें ए वन लगाया, फिर रो ऑपरेशन ए टू लगाया। रो ऑपरेशन का मतलब प्री फैक्टर, और ई एन लगाया, और फाइनली आपने एक एन बाई एन का जो अभी ऊपर पढ़ा आपने, आपने उस फॉर्मेट में कन्वर्ट किया। तो फिर ये इवन से रिलेटेड, इवन तो इसको ऐसे कर दें, इवन ई एन इनवर्स ए सॉरी इवन से ई एन तक क्या हो गया, खुद आई एन ऐसा लिख सकते हैं। एसोसिएटिविटी से ब्रैकेट यहां लगा दिए, किससे मल्टीप्लाई करें दोनों साइड। तो ए इनवर्स है। चलिए ए को रहने देते हैं। ए नॉन सिंगुलर है, ए से भी कर सकते हैं, लेकिन जो एलिमेंट्री मैट्रिसेज हैं वो भी इन्वर्टिबल होते हैं, हमने ये भी पढ़ा था। यस सर। तो अगर मैं ई एन
सेलेटरी ई वन इनवर्स ई एन सेलेटरी ई वन करूँ तो यहाँ ई एन सेलेटरी ई वन इनवर्स और आई एन लेफ्ट साइड में कोई मैट्रिक्स है नॉन सिंगुलर का प्रोडक्ट भी इसको पी मान लीजिए पी इनवर्स हो गया तो आइडेंटिटी आ जाएगा तो ए इक्वल टू आ जाएगा आपके पास ई वन इनवर्स सेलेटरी ई एन इनवर्स और चूंकि ये सब इन्वर्टिबल होते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो किसी भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को आप ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं एलिमेंट्री मैट्रिसेस के प्रोडक्ट के तौर पर। किसी एलिमेंट्री मैट्रिक्स का इनवर्स भी एलिमेंट्री मैट्रिक्स ही होता है तो आप ऐसे लिख सकते हैं। क्या ये सबको क्लियर हुआ? यस सर। ठीक। और यहीं से एक कंक्लूजन छोटा सा और है किसी भी अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की जो रैंक है ना किसी भी मैट्रिक्स की जो सॉरी किसी भी मैट्रिक्स की रैंक उसको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने से नहीं बदलती। द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स डज नॉट अल्टर ए चेंज बाय प्री या पोस्ट मल्टीप्लीकेशन। विद द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स उससे नहीं बदलती। क्यों नहीं बदलती? क्योंकि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को आप एलिमेंट्री इन ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोडक्ट के तौर पर लिख सकते हैं ऐसे और आप जानते हैं कि इनसे रैंक नहीं बदलती। तो ये बात समझ में आ गई। तीसरा पॉइंट। यस सर। यस सर। कोई भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स को आप ऐसे लिख सकते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोडक्ट के तौर पर और फिर आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि एक मैट्रिक्स को प्री फैक्टर करो या पोस्ट फैक्टर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो रैंक को कोई फर्क नहीं पड़ता रैंक वही रहेगी। ठीक। यहां से बच्चों हम लोग इस कंसेप्ट की मदद से इनवर्स का एक नया फॉर्मूला ला सकते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से इनवर्स हम ला सकते हैं और ऐसा पढ़ाया भी होगा आप लोगों को बीएससी में इनवर्स विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। तो इनवर्स निकालने का एक ये भी मेथड है और मेरे ख्याल से तो अच्छा मेथड है। और कोई मेथड आता है आपको इनवर्स निकालने का एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए के अलावा? ए आई ले लेते हैं, इक्वल टू आई ए, फिर उसको जैसे हम एसलॉन फॉर्म करें तो इसी टाइप से लाते हैं। ये तो वही मेथड है और कोई? और कोई यार ये तो मैं कर ही रहा हूं। कैली हैमिल्टन थ्योरम पढ़ी थी? अरे भाई कैली हैमिल्टन थ्योरम पढ़ी है किसी ने? इसका मतलब पढ़ी भी है तो नहीं पढ़ी के बराबर हो गई है। कोई बात नहीं अभी आएगा अगले हफ्ते तो हम वहां भी बताएंगे एक और मेथड वो भी आसान है। वन सर एक जीरो वो मेथड होता है जिसमें मैट्रिक्स किसी इक्वेशन पॉलिनोमियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, फिर वहां पे ए इनवर्स लगा के वहां से फाइंड कर लेते हैं। वही है कैली हैमिल्टन। कैली हैमिल्टन थ्योरम का स्टेटमेंट है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते हैं ए माइनस लेमडा आई डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो से और उसको ए से सेटिस्फाई कराते हैं और फिर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं वही तो लॉजिक। वो भी है एक मेथड। चलो वो अगले हफ्ते आ जाएगा तो मैं कराऊंगा ही उसे।
अभी ये मेथड है, फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस बाय यूजिंग ई ट्रांसफॉर्मेशन, बाय यूजिंग ई ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए देखते हैं, तो आसान मेथड है, अब तो आपने चीजें सीख ही ली हैं थोड़ा बहुत, तो लेट ए इक्वल टू I3 इंटू ए कर लेते हैं, दैट इज ए का मतलब 1 2 1, 3 2 3, 1 1 2 इक्वल टू I3 का मतलब हुआ 1 0 0, 0 1 0, 0 0 1 इंटू ए, ए कर दिया। तो बच्चों अब ये इस ए का प्रीफैक्टर है, हम दोनों साइड रो ऑपरेशन लगाते हैं, और इस रो ऑपरेशन लगाने के बाद फाइनली हम ये लेफ्ट हैंड साइड को यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो अब आप खुद ही समझिए, लेफ्ट हैंड साइड यूनिट मैट्रिक्स से आ गई, तो इधर जो भी मैट्रिक्स आएगा इनटू ए, तो अगर इन दोनों के प्रोडक्ट से यूनिट मैट्रिक्स आ रहा है, तो जो ए के साथ मल्टीप्लाई है वो ए का इनवर्स हुआ या नहीं हुआ? यस सर, यस सर, सभी लोगों को लॉजिक समझ में आया कि भाई ए को किससे मल्टीप्लाई करें कि यस यूनिट सर, मैट्रिक्स आ जाए? ऑब्वियस है वो ए का इनवर्स होगा, तो ये इनवर्स लाने का तरीका है। तो हम पहले ए इक्वल टू I3 ए ऐसे लिख दे रहे हैं। अगर आप इस I3 को ए के बाद लिखते हैं पोस्ट में, तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, तो हम रो लगा रहे हैं। रो लगाएंगे तो जाहिर सी बात है यूनिट में बदलना है, तो यहाँ पर 0 0 लाना है। तो बच्चों ऑपरेशन भी आपको क्लियर ही होंगे, बताओ यार। ये सभी को क्लियर है ना अब, या ये भी दिक्कत हो रही है अभी? थ्री क्लियर है सर। टाइम्स किया तो ये 6, 2 - 6 - 4, और ये 3 टाइम्स किया तो 3 3 0, और 0 - 1 1 इक्वल टू 1 0 0 R2 - 3 times R1, तो -3, 1 0, -1 0 1 इंटू ए, ठीक हो। अब आप लोग बता सकते हैं आप क्या उचित रहेगा? 2 को -4 से डिवाइड करें। चलो ठीक है, अब R2 को रिप्लेस कर दें R2 upon -4, तो वी गेट 1 2 1 0 1 0 0 - 1 1 फुल टू 1 0 0, -4 से करेंगे तो 3 upon 4, -1 upon 4 0, -1 0 1 इंटू ए। सब लोगों को क्लियर है? यस सर, यस सर, अब बच्चों अब आप तिरछा चलिए और यहां पहुंचिए, यहां पर ये जो बीच वाला 1 है, इसकी मदद से इसके ऊपर नीचे 0 बनाइए आप। मैं रिपीट कर रहा हूं, जैसे पहले मैं आपने इस 1 की वजह से बाकी नीचे 0 बनाए, अब आप तिरछा चल के यहां पर बीच वाले 1 की वजह से इसके ऊपर वाले को भी 0 बनाना है, नीचे वाले को भी, इसी की मदद से बनाना है, किसी और की मदद नहीं लेनी। तो आप मुझे बताएंगे मुझे क्या करना चाहिए? आप लोग बात ही नहीं कर दे रहे हैं। ये ठीक है? यस सर। हाँ
आर वन माइनस टू टाइम्स आर टू, तो ये वन, ये जीरो, ये वन, जीरो वन जीरो, और आर थ्री प्लस आर टू, तो ये तो जीरो, ये जीरो, ये वन, यहाँ भी वही करिए, आर वन माइनस टू टाइम्स आर टू, वन माइनस थ्री बाई टू, तो माइनस वन बाई टू। कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। प्लस वन बाई टू, जीरो, और सेकेंड ऐसी रहेगा, तो थ्री बाई फोर माइनस वन बाई फोर, जीरो। आर थ्री और आर टू जोड़ना है, तो माइनस वन बाई फोर, माइनस वन बाई फोर, और वन इंटू ए, ठीक हो गया। अब मुझे आना है यहाँ पर लास्ट में, इसकी मदद से इसके ऊपर वाले जो दोनों हैं उनको जीरो बनाना है। एट तो जीरो है ही, एट को ही बनाना है। कैसे बनाऊंगा? आर वन की जगह पर R1 माइनस आर R1 थ्री, R2 तो ये वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन, ऐसा ही यहाँ भी कर लेते हैं बच्चों। आर वन माइनस आर थ्री, तो ये माइनस वन बाई टू प्लस वन बाई फोर, तो माइनस वन बाई फोर बचेगा, और यहाँ प्लस टू बाई फोर प्लस वन बाई फोर थ्री बाई फोर, और यहाँ माइनस वन, बाकी ऐसे रहेगा, तो थ्री बाई फोर माइनस वन बाई फोर जीरो, माइनस वन बाई फोर, माइनस वन बाई फोर, और वन इंटू ए, सो दिस इज द इनवर्स ऑफ ए। मेरे ख्याल से ये भी एक अच्छा मेथड है, सभी लोगों को समझ में आ गया भाई? तो यस सर, यस सर, अब आपकी मेहनत है, आप प्रैक्टिस जितना करें इनवर्स निकालने के लिए। तो मैंने एलिमेंट्री रूल, ऑपरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, इन सब पे कई दिन लगा दिए आपके समझाने के लिए। तो मैट्रिक्स का ये पोर्शन हो गया। अब मैं आपको मैट्रिक्स का जो अगला पोर्शन है वो समझाने के लिए, फिर मुझे वेक्टर स्पेस पे जाना पड़ेगा। तो दोबारा नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं। ये टॉपिक पूरा हो गया, मैंने इनवर्स निकालना सिखा दिया आपको। इस तो यहाँ से हम दोबारा बात करते हैं वेक्टर स्पेस ऑफ एन टपल्स। इसको थोड़ा और समझते हैं अच्छे तरीके से, क्योंकि अब हम रो और कॉलम जो एन बाई एन लेते हैं मैट्रिसेस, उनमें ना उनको रो वेक्टर कॉलम वेक्टर कैसे बोलते हैं इन पे बात करते हैं। तो इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं, जैसे एन टपल्स तो आप लोगों ने पढ़ा है, इस तरह से हम लिखते थे ए वन ए टू अप टू ए एन, तो ये एन टपल हुआ। एन डायमेंशनल कोऑर्डिनेट समझिएगा बच्चों, जैसे टू डायमेंशन, थ्री थ्री डायमेंशन तो आप विजुअलाइज कर लेते हैं, तो वैसे एन डायमेंशन समझिए। करते हैं, मैं पहला इसकी डेफिनेशन ऐसे समझाता हूँ। एनी ऑर्डर्ड, मतलब ऑर्डर फिर से है जिसका, कौन कहाँ पर आएगा, एनी ऑर्डर्ड एन टपल्स, टपल ऑफ नंबर्स
बेसिकली स्केलर्स, स्केलर इसलिए फील्ड के एलिमेंट, स्क्रॉल एंड एन वेक्टर, ये शब्द हम यूज करेंगे ठीक। बल्कि ये एन वेक्टर है, तो एन वेक्टर मतलब जो वेक्टर है उसमें एन कोऑर्डिनेट है, वो एन टपल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास A1, A2, A3 है तो इसको मैं कहूंगा इज अ थ्री वेक्टर। तो मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा। ठीक है। यस सर। अच्छा, जो ये A1, A2, A3 है इनको क्या बोलते हैं? तो इन जनरल कर लूँ, तो इन जनरल कोई वेक्टर है एक्स, या कैपिटल एक्स भी लिखते हैं हम लोग इनको। और सपोज मैंने ऐसे लिख दिया है X1 से लेकर X n, तो ये एन वेक्टर है, वो तो ठीक है। यहाँ पर जो स्मॉल X1 से लेकर X n तक है, ये कंपोनेंट हुए, आर कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ एक्स, कैपिटल एक्स कंपोनेंट्स ऑफ। एक वेक्टर को रो वेक्टर के तौर पर भी लिख सकते हैं, कॉलम वेक्टर के तौर पर भी। तो हम मैट्रिक्स के रो कॉलम में लिखेंगे, इसलिए मुझे सब पढ़ाना पड़ रहा है। तो अ वेक्टर मे बी रिटर्न आइदर एज अ रो वेक्टर और कॉलम वेक्टर। जैसे अब मैं मैट्रिक्स मान लेता हूं, लेट ए आपके पास ऐसा कोई मैट्रिक्स है। इन शब्दों को ध्यान से समझिए बच्चों, ये लीनियर अलजेब्रा में अधिकतर लोगों को परेशान करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आपके पास एम रो है और एन कॉलम है, या अगर सरल, क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हैं मैं फिर बना देता हूँ, A11, A12, A13, A1n, क्योंकि बाद में तेज करने के लिए शुरू में कोई बात नहीं, आप आराम से समझो, घबराना नहीं है कहीं पर भी, एंड सो ऑन, लास्ट में AM1, AM2, AM3, AMN। तो अब मुझे ये बताइए कितनी रो हैं? एम रो हैं। हर रो में कितने एलिमेंट हैं? एलिमेंट्स एन एलिमेंट हैं। एन एलिमेंट का एक रो जो है वो एक एन वेक्टर हुआ, तो कितने एन वेक्टर हैं इसमें? एम वेक्टर एम, एम फॉर मुंबई, एम जो है वो एन वेक्टर है ना? यस सर यस अच्छा, अब कॉलम वाइज सोचिए, हर एक कॉलम एम वेक्टर है, तो कितने एम वेक्टर हुए टोटल? एन वेक्टर एन। ठीक हो गया, लिख देते हैं यार, अभी तो बहुत आसान लग रहा है लोगों को, लेकिन कभी नोट्स दोबारा चाहिए। क्लियर? ईच रो ऑफ ए इज एन एन वेक्टर, हर रो एन वेक्टर है, एंड ईच कॉलम इज एम वेक्टर। ठीक है, तो ये शब्द बार बार परेशान करते हैं। बाकी दो वेक्टर्स को कैसे जोड़ा जाता है, दो सेम एन वेक्टर होंगे तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, मेरे ख्याल से सबको पता है। पहला कोऑर्डिनेट पहले से जुड़ता है, दूसरा दूसरे के साथ जुड़ता है, तो इन पे बात नहीं करते।
यहाँ पर एक चीज नोट करके फिर लिखा दूँ। वैसे मैं जब लीनियर इंडिपेंडेंस और डिपेंडेंस पढ़ा चुका था तो उस समय लिखाया था, लेकिन मुझे लगता है काफी दिन हो गए हैं, लोग आउट ऑफ टच ना चल रहे हैं। अ सेट ऑफ आर एन वेक्टर्स, एन वेक्टर हैं उनकी संख्या आर, उनको नाम भी देते हैं x1 x2 xr, इज सेट टू बी लीनियरली डिपेंडेंट इफ देर एग्जिस्ट आर स्केलर्स नॉट ऑल जीरो। डिपेंडेंट है तो ऐसा होगा ना, K1 K2 KR such that K1 इट्स वन प्लस K2 इट्स टू प्लस KR इट्स आर जीरो मैट्रिक्स। इसका मतलब 0 0 0 कितनी बार एन टाइम्स ऐसा होगा या नहीं होगा। ओके और आप गौर करिए, इनमें से हर एक वेक्टर जो है वो एन वेक्टर है, हर वेक्टर एन वेक्टर है, कुल संख्या आर है। अगर आप कुछ कोफिशियंट नॉन जीरो ला सकते हैं और इस तरह से इन सब का कॉम्बिनेशन जीरो आ जाए तो लीनियरली डिपेंडेंट है। ये मैंने लीनियरली डिपेंडेंट समझाए भी थे आपको उस समय भी। दूसरा, लीनियरली इंडिपेंडेंट अ सेट ऑफ आर एन वेक्टर्स टू इट्स आर इज सेड टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ एवरी रिलेशन ऑफ द टाइप इस लाइन को ध्यान से समझिए, K1 एट्स वन KR एट्स आर इक्वल टू नल मैट्रिक्स इंप्लाइज K1 इक्वल टू K2 इक्वल टू एंड सो ऑन KR इक्वल टू जीरो। कभी भी ऐसा लाने की कोशिश करोगे तो जीरो ही मिलेगा कोफिशिएंट। दोनों में लैंग्वेज में अंतर है बच्चों। अगर आप ऐसा लाने की कोशिश करेंगे तो यही मिलेगा, ये कहना चाह रहे हैं। और ऊपर कह रहे हैं कि आपको कम से कम एट कोफिशिएंट नॉन जीरो ऐसा मिल जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? यस सर, यस सर, यस सर। तो एट वेक्टर जिसमें केवल एट सेट जिसमें केवल जीरो वेक्टर है वो क्या होता है हमेशा? सर लीनियरली डिपेंडेंट। सिंगलटन, कंसिस्टिंग ऑफ जीरो वेक्टर इज ऑलवेज लीनियरली
डिपेंडेंट सेट। ठीक है, यस सर। इसको एट सिंगलटन है जिसमें एट ही वेक्टर है और वो नॉन जीरो है, तो लीनियरली डिपेंड। हमने ये पढ़ा है बच्चों, ए अल्फा डॉट जीरो होता है, तो या तो ए जीरो होगा या अल्फा जीरो होगा, अल्फा जीरो वेक्टर होगा या ए स्केलर, एट को जीरो होना पड़ेगा, तो दोनों तीसरे और चौथे यहीं से आ जाते हैं। अगर अल्फा जीरो है तो ए को नॉन जीरो मान लीजिए, ए जीरो भी चल सकता है लेकिन ए नॉन जीरो भी तो सारी पॉसिबिलिटीज हैं, और अगर अल्फा नॉन जीरो है तो फिर ए के पास कोई चॉइस नहीं है जीरो होने के अलावा, तो सिंगलटन के मामले में यह है। अच्छा, सब स्पेस के बारे में तो मेरे ख्याल से रिकॉल है ही, हमें उसकी जरूरत शायद नहीं पड़ेगी। सब स्पेस बेसिस पढ़ा दिया था, नो सर, नो सर, नो सर। अच्छा तो थोड़ा सा बेसिस के बारे में, वैसे वहाँ काफी ज्यादा चीजें आएंगी, बेसिस में बहुत सारे थ्योरम्स हैं, इसको समझते हैं बेसिस को। नॉन एम्प्टी सेट एस सबसेट ऑफ बी इज अ बेसिस ऑफ बी एफ इफ फर्स्ट एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट और सेकेंड एल एस इक्वल टू बी। एस एल एस इक्वल टू बी, पिछली चीजें तो पढ़ाई थी ना स्पेन, यस सर। तो बच्चों थोड़ा सा यहां पर बात समझिएगा, ये पूरा वेक्टर स्पेस है मेरे पास, तो एस एक ऐसा सेट है छोटा सा, ये एस है जो पूरे वी को जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एस का कोई भी सुपर सेट ले लीजिए वो भी वी को जनरेट करेगा। जैसे मैंने आप लोगों को आर थ्री आर में बताया होगा कि थ्री डायमेंशनल स्पेस है, तो आई जे के ले लीजिए, इसका लीनियर स्पेन पूरा ये बना देगा, होता है नहीं, यस सर। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब हम इसे मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे आई थ्री में बाद में, क्योंकि आई जे के या 1 0 0 0 1 0 0 0 1 जो तीन वेक्टर हैं वो तीन रो वेक्टर से दिखा देंगे हम, तो वो यूनिट मैट्रिक्स बन जाएगा आर थ्री, और इस तरह से मैट्रिक्स और वेक्टर सब आपस में मिक्सअप हो जाएंगे। अब ठीक हो गया, अब मैं बताना क्या चाह रहा हूं इसमें, इसमें बताना ये था कि आई जे छे के अलावा अगर कोई भी इनका कॉम्बिनेशन या कुछ ले लूं मैं, जैसे आई जे के आई प्लस टू जे, अगर मैं एक्स्ट्रा भी लीनियर स्पैन ले लूं तो भी यही मिलेगा या नहीं? यस सर। सर हाँ, आई जे के
आई माइनस टू जे, टू जे प्लस थ्री जे, आई प्लस जे प्लस जे, तब भी वही मिलेगा। ये भी आर थ्री आ रही देगा, मतलब आई जे ट्रे तो है ही, उसके अलावा आप उसमें, अरे यार ऊपर जा भाई, आई जे ट्रे तो है ही, उसके अलावा कुछ भी आप आगे जोड़े जा रहे हैं तो वही मिलेगा। तो फिर आप कहेंगे इतना फालतू क्यों जोड़े, तो इसका मतलब आप ये चाहते हैं कि सबसे छोटा कम से कम क्या लें कि पूरा वेक्टर स्पेस बन जाएगा। तो स्पैनिंग सेट जो है वो छोटे से छोटा होना चाहिए, एज स्मॉल एज पॉसिबल। ये बात समझ में आ रही है? यस सर, ताकि एल एस इक्वल टू बी एस, बाकी तो फालतू है, इतना क्यों ले रहे हो फिर? चलो ठीक, अब दूसरी तरफ लीनियरली इंडिपेंडेंट पे बात करते हैं हम लोग। अगर आप तीन वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट लेते हैं, 1 0 0, 0 1 0, या आई जे टी भी लिख सकते हैं इसको, और 0 0 1, आप इन्हें को आई जे टी दे सकते हैं। तो ये है लीनियरली इंडिपेंडेंट इन आर थ्री आर। अगर आपने इसका सबसेट ले लिया, मतलब आई और जे, तो वो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। खाली आई ले लिया तो वो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट। मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट में क्या होता है बच्चों, कोई सेट अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो उसका कोई भी सबसेट ले लो, वो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट ही होगा। ये कुछ चीजें अगर छूट रही है तो वो अभी लीनियर पढ़ते समय कवर हो जाएंगी, चिंता मत करिए। लेकिन अगर इसमें आपने ये जोड़ दिए, चार एलिमेंट जोड़ दिए, ये लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है आर थ्री आर, सबसे बड़ा लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो बच्चों यहां पर आपको डेफिनेशन जो आपने पढ़ी है ना, उसमें थोड़ा सा एक बैलेंस बैठाना पड़ता है। जब आप स्पैन ले रहे थे तो एज स्मॉल एज पॉसिबल कह रहे थे, और जब आप लीनियरली इंडिपेंडेंट कह रहे हैं तो एज लार्जर एज पॉसिबल कह रहे हैं। तो यहां से हमें यह समझ में आया कि बेसिस इज एक्चुअली इज द स्मॉलेस्ट स्पैनिंग सेट एंड लार्जेस्ट लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। क्या मैं समझा पाया आप लोगों को? यस सर, अगर कोई वेक्टर स्पेस है बच्चों, उसका जो बेसिस की बात हो रही है, तो बेसिस का मतलब वो एक ही सेट है, सेट एक ही हुआ बेसिस, उसकी दो प्रॉपर्टी होंगी, वो स्पैनिंग के मामले में सबसे छोटा होगा। बेसिस में से अगर एट भी एलिमेंट कम कर देंगे तो पूरा वेक्टर स्पेस को जनरेट नहीं कर पाएगा। हाँ, वेक्टर स्पेस के हिस्से को जनरेट कर सकता है, पूरे को नहीं कर पाएगा, एक भी कम कर दिया तो, क्योंकि दिस इज द स्मॉलेस्ट स्पैनिंग सेट। अब इससे छोटा स्पैनिंग सेट हो ही नहीं सकता कोई जो पूरा वेक्टर स्पेस डेवलप कर दे, तो इसमें से कम नहीं करना है एक भी। एंड एट द सेम टाइम दिस इज द लार्जेस्ट लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट इन बी या सेट इन बी। इससे बड़ा कोई लार्जेस्ट हो भी नहीं सकता जो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। इसमें एट भी जोड़ेंगे तो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। तो आपको एट साथ स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट का बैलेंस बैठाना पड़ता है बेसिस में। क्या मैं समझा पाया आप लोगों? यस सर, बीएससी वाले बच्चे हैं वो समझ पा रहे हैं बेसिस? यस सर, हाँ, तो ये बेसिस में ध्यान रखिएगा, क्योंकि यही एक ऑब्जेक्टिव सवाल बनाया जा सकता है।
चार स्टेटमेंट दे सकता हूं मैं, पहले मैं दोनों में जो है लार्जेस्ट डाल दूं, दूसरे में दोनों में स्मॉलेस्ट, तीसरे में यही जैसा लिखा है, चौथे में लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट इंटरचेंज। तो फिर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि सही ऑप्शन क्या है। तो बच्चों यहां से हमारे पास एक नई डेफिनेशन आती है, रो रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। बेसिस पे काफी टाइम काफी काम है अभी, लीनियर की जब बुक उठाएंगे तब पढ़ेंगे, ढेर सारे सवाल करने हैं हमने। लेकिन हम मैट्रिक्स को कर लें, लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन को कर लें अच्छे तरीके से, तो आपको वहां बहुत मदद मिलेगी। तो अब मैं नेक्स्ट स्टेडियम डाल रहा हूं, अब रो रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स की रो रैंक का क्या मतलब है ये समझा रहा हूं। ऐसी कॉलम रैंक भी आएगी, हमारे पास कोई मैट्रिक्स है और मान लेते हैं वो ए आई जे है, एम बाई एन, ठीक है। हर एम रो है और हर एक रो में एन वेक्टर है, सॉरी एन, हाँ आपके पास ये है, एन एलिमेंट्स हैं, लिख देते हैं यार। ईच ऑफ द एम रोज ऑफ ए कंसिस्ट ऑफ एन एलिमेंट्स, हर एक रो में, और रो टोटल एम है ये भी मैंने इसी में लिख दिया है। तो मैं ऐसे भी कह सकता हूं, इसका मतलब है रो वेक्टर्स ऑफ ए आर एन वेक्टर्स, ऐसा लिख सकता हूं क्या? रो वेक्टर्स ऑफ ए आर एन वेक्टर्स, ये ठीक है या नहीं? यस सर, यस सर, दिस इंप्लाइज, मैं ये लिख सकता हूं, रो वेक्टर्स ऑफ ए विल स्पेन द सब स्पेस, सब स्पेस आर ऑफ वी एन। अब हमें नहीं पता कि ये रो वेक्टर जो हैं इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से पूरा वेक्टर स्पेस डेवलप हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, हमें कंफर्म नहीं है। तो लेकिन कोई ना कोई सब स्पेस तो हो रहा ही, क्योंकि लीनियर स्पेन एल एस हमेशा सब स्पेस होता है, ये पढ़ा है याद है यस सर, बच्चों? एस जो भी हो एल एस हमेशा सब स्पेस होता है। तो अगर आपके पास पूरा वेक्टर स्पेस ये है, तो ये एन वेक्टर से हो सकता है पूरा सब पूरा ही वेक्टर स्पेस बन जाए, हो सकता है इतना ही बने, हमें नहीं पता है पूरा बनेगा क्या बनेगा, लेकिन जो भी बनेगा वो भी एक सब स्पेस होगा आर ऑफ पी एन। क्या ये लाइन सबको क्लियर हो रही है? यस सर, यस सर, तो बच्चों आर के अंदर जो वी एन के अंदर जो आर है वो भी एक सब स्पेस है, मतलब वो भी एक वेक्टर स्पेस है, और ये वेक्टर स्पेस इन एन रोज ने डेवलप किया है, तो इसको रो स्पेस नाम दे देंगे। इस स्पेस का नाम ही क्या हो जाएगा, दिस सब स्पेस आर इज कॉल्ड द रो स्पेस। रो स्पेस क्या होता है अगर पूछा जाए ऑफ मैट्रिक्स ए, किसी मैट्रिक्स का रो स्पेस क्या होता है, का मतलब उसकी रो के लीनियर स्पेन से जो सब स्पेस बना, अब वो सब स्पेस पूरा पूरा वेक्टर स्पेस भी हो सकता और हो सकता है उससे क्रम पूरा तो नहीं बन पाया लेकिन एक हिस्सा बन गया, लेकिन वो सब स्पेस होगा, इतना मैंने आपको पहले ही पढ़ा रखा है, एल एस इक्वल टू वी मैं लेके आया था वहां से।
जो वेक्टर स्पेस है उसका डायमेंशन होगा ना, डायमेंशन का मतलब बेसिस में कितने एलिमेंट है। ध्यान से सुनिए, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो बेसिस अभी बताया था, बेसिस में कितने वेक्टर्स हैं इस संख्या को डायमेंशन बोलते हैं। तो रो स्पेस का भी डायमेंशन होगा या नहीं होगा बच्चों, उसे रो रैंक कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, रो रो। रैंक हाँ, तो रो रैंक क्या होती है वो समझा रहा हूं, द डायमेंशन आर ऑफ आर स्क्वाड। रो रैंक ऑफ, प्लीज, ये काफी महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, रो रैंक किसी मैट्रिक्स की क्या होती है। क्या सभी बच्चों को समझ में आ गया है? यस सर। तो आप ऐसे भी कह सकते हो इसको, क्योंकि ये बेसिस की वजह से है। तो जितने रो है ना किसी मैट्रिक्स की, रो तो बहुत सारी हो सकती हैं, कोई मैट्रिक्स लिया, अब पता लगा उसमें 15 रो है, और हो सकता है उसमें 8 रो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ज्यादा नहीं है, ज्यादा लोग डिपेंडेंट है। तो मैक्सिमम कितनी रो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, मैक्सिमम, क्योंकि लीनियर इंडिपेंडेंस में मैक्सिमम शब्द यूज किया था मैंने अभी। यस सर। तो आप ऐसे भी कह सकते हो किसी मैट्रिक्स की मैक्सिमम कितनी रो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, दिस इज कॉल्ड रो रैंक। और करके यहां पर लिख रहा हूं मैं, रो रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज ऑफ ए। तो किसी भी मैट्रिक्स की आप रो रैंक निकाल सकते हैं, उसकी कितनी रो आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ये देखिए। यहां से इतना क्लियर है? यस सर। अब जब रो रैंक क्लियर है बच्चों, तो यहां से नलिटी भी आएगी। रो नलिटी, इन दो शब्दों को ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद रेंट नलिटी थ्योरम आती है। रेंट, तो नलिटी क्या हुई, नल स्पेस क्या बना, रो नल स्पेस, हम उस पे बात कर रहे हैं। ऐसा करते हैं, सपोज एक वेक्टर ले लेता हूँ, इट्स इट्स इज एन एम वेक्टर, रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ अ रो वेक्टर। देन एक्स इनटू ए इज वेल डिफाइंड, प्रोडक्ट डिफाइन किया जा सकता है। तो फिर 10 आप सब स्पेस बनाएंगे एस ऑफ वी एम जेनरेटेड बाई, ये सब स्पेस किससे जनरेट हुआ वो बता रहा हूं, बाय द रो वेक्टर्स एक्स
belonging to VM such that x into A equal to 0 वेक्टर। अगर ऐसा कर पा रहे हो इस प्रॉब्लम रो नल स्पेस ऑफ ए, और इसका जो डायमेंशन होगा, द डायमेंशन एस ऑफ एस, इसके एस डायमेंशन, डायमेंशन मतलब बेसिस में जितने वेक्टर है, इस कॉल्ड द लेफ्ट नलिटी। कई लोग ऐसे भी बोलते हैं, ये सारे महत्वपूर्ण शब्द हैं। और रो नलिटी ऑफ द मैट्रिक्स है। मैंने लीनियरली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वहां करा देना चाहिए था पहले, बहुत सारे सवाल, वो मैं लीनियर होमोजेनियस के चक्कर में रह गया। अब थोड़ा सा हो सकता है थोड़ा दिक्कत आए एक आध दिन। तो क्या कहा जा रहा है, क्या ये समझ पाए आप लोग, रो नलिटी क्या हुई? वो सर सारे वेक्टर जो ए के साथ प्रोडक्ट करके नल वेक्टर ला रहे हैं, उनकी जो संख्या है यस सर यहाँ से एक थ्योरम है, लेकिन मैं अब आज नहीं करना चाह रहा हूँ थ्योरम। मैं स्टेटमेंट लिखा है बता देता हूँ कि रो रेंट और रो नलिटी जो है, ये अगर आप दोनों का सम कर दें तो हमेशा जो मैट्रिक्स में रो रेंट ये था और रो नलिटी ये थी, मैट्रिक्स की जो रो नंबर ऑफ रो है उनकी संख्या आ जाएगी। लेकिन ये प्रूफ कल करूंगा मैं। ऐसे फिर कॉलम पे भी आएगा, कॉलम रैंक कॉलम नलिटी, यस सर और फिर हम बताएंगे रो रैंक और कॉलम रैंक बेसिकली रैंक ही है मैट्रिक्स की। रैंक हम पहले पढ़ चुके हैं, किसी मैट्रिक्स की रो रैंक पता है और रो नलिटी पता है तो आपको उससे टोटल नंबर ऑफ रो मिल जाएंगी। ऐसी फिर कल हम ये थ्योरम भी पढ़ेंगे और ये भी पढ़ेंगे, कॉलम रैंक और कॉलम नलिटी पढ़ेंगे तो नंबर ऑफ एन मिल जाएगा आपको, सॉरी कॉलम्स की संख्या मिल जाएगी आपको। तो रो रैंक और कॉलम रैंक के बाद फिर रैंक पर एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम आपको यहां से मिल जाएगी। इसको ट्रल करें क्योंकि ये थोड़ा सा हैवी मटेरियल है, ओके सर तो आपके लिए डाइजेस्ट करना भी आसान नहीं होगा। आज जो मैंने पढ़ाया अगर आप उसको मेंटेन कर सकते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। प्लीज आप इतना जरूर करिएगा। तो कल हम फिर इससे आगे, मतलब शानदार रिजल्ट्स हैं कि मैट्रिक्स की आप रो रेंट